बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुहर्रम की स्पेशल डिशेस जो हर घर में बनाई जाती हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं खीर से। तो खीर बनने में बहुत ही आसान है और बहुत ही मकबूल है। सबसे पहले हमने 1 कप राइस लिया है, उसको पानी में सोख कर 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। हाफ कप जो है मावा लिया है, 1/3 चीनी ली है, 1 लीटर दूध जो 4 कप के बराबर होता है वो लिया है हमने, रोज़ वाटर अर्के गुलाब 2 टीस्पून लेंगे हम, और केड़ा लहसुन 1/2 टीस्पून, इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, बादाम साबित बादाम और क्रश बादाम जो बारीक काट लिए हैं, ये 3/4 कप वाटर डाल रही हूँ पैन के अंदर, और 1 लीटर दूध जो 4 कप के बराबर होता है। पानी डालने से ये होगा कि खीर जब हम बनाएंगे तो वो बॉटम से चिपकेगी नहीं। राइस जो हमने सोक किए थे उसको मिक्सी ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, महीन से पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, इसको पीस लेंगे ब्लेंडर में, हमने इसको पीस कर एक तरफ रख दिया। दूध हमारा बॉयल हो चुका है जो हमने बॉयल होने का रखा था। ठीक है, अब हमने जो मिक्सी जार में राइस को पीसा था इसमें दूध में ऐड कर देंगे और मुसलसल चमचा चलाएंगे। चमचा चलाने से ये होगा कि ये इसमें लम्स नहीं बनेंगे, गुठलियाँ नहीं बनेंगी, अदरवाइज इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जो बनाने में खीर बनाने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगी आपको। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होना चाहिए, मुहर्रम और हराम का मुबारक महीना है। देखिए, खीर को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, जो राइस जो हैं वो कुक हो चुके हैं, फूल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर पानी छोड़ती है, मज़ीद राइस ऐड जो है पकेंगे और हमारी खीर थिक हो जाएगी। हम इसे 30 से 35 मिनट पर स्लो आंच पे हम इसे बनाएंगे, स्लो हीट पे हम इसे पकाएंगे, मुसलसल चमचा भी चलाते रहेंगे। खीर थिक हो चुकी है, आप हमें इसमें खोया ऐड कर रहे हैं, 1/2 कप होम मेड खोया है। इसकी जगह आप पेड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्फ़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई सी भी वाइट मिठाई इस्तेमाल कर सकते हैं। खोया ऑप्शनल है, स्किप करना चाहें स्किप कर दें, ऐड करना चाहें फ्लेवर बढ़ जाएगा। ठीक है, खोया ऐड करने के बाद हम इसमें चमचा चलाएंगे। मुसलसल चमचा चलाने से खोया इसमें खीर में घुल जाएगा और अच्छे बहुत ही अच्छा फ्लेवर खीर के अंदर आ जाएगा। मुसलसल चमचा चलाते रहें आप। खीर हमारी थिक हो चुकी है, इसमें ऐड करेंगे इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून। ठीक है, 30 से 35 मिनट हो चुके हैं हमारी खीर को पकते हुए, अब हम इसमें ऐड करें इलायची का पाउडर। ऐड करने के बाद बादाम जो बारीक काट कर रखे थे, लंबे काट कर रखे थे, उसको ऐड करेंगे। चमचा चलाएंगे ताकि बादाम और सबसे इलायची जो है अच्छी, इसका फ्लेवर जो है पूरे खीर में आ जाए। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। दो चीज़ें इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं। इसमें फ्लेम को ऑफ़ करने का मकसद यह है कि इसका फ्लेवर बरकरार रहे। 1/2 टीस्पून केवड़ा लहसुन, 1/2 टीस्पून केवड़ा लहसुन फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी खुशबू जो है पूरी खीर में आ जाए। अगर पकाएंगे तो इसकी खुशबू उड़ जाएगी। ओके, रोज़ वाटर 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। ठीक है, रोज़ वाटर की भी खुशबू पूरी खीर में आ जाएगी, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बॉल लेंगे, क्लीन सा बॉल लें और अपनी पकी हुई खीर को इसके अंदर डाल देंगे। गरम गरम खीर, मज़ेदार सी खीर तैयार है। आप इसकी थिकनेस दे सकते हैं, बिल्कुल बाज़ार वाली और शादियों वाली खीर है। ये त्यौहार में जो भी रेसिपी बनाई जाती है, कोई भी खाना बनाया जाता है, एक्स्ट्रा फ्लेवर उसमें आ जाता है, ये कुदरती तौर पर होता है। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अब हम इसमें गार्निश कर रहे हैं बादाम के साथ, ये आपके ऊपर है, आप जिस तरह से भी गार्निश करना चाहें, चांदी का अर्क से वर्क से का गार्निश करना चाहें या बादाम के साथ पिस्ते के साथ आप गार्निश कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जिस तरह सजाना चाहें अपने डिश को आप सजा सकते हैं। ठीक है, मैं ये बादाम का फूल बना रही हूँ। पहले ही हमारी डिश तैयार है, खीर बहुत ही मज़ेदार बनी थी, यकीन जानिए इतनी लजीज खीर बनी थी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, समझ में आती है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, दूसरी रेसिपी के पास चलते हैं। हमारी मज़ेदार सी खीर तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब दूसरी रेसिपी जो है मलीदा है।
ये मुहर्रम में बनाया जाता है, स्पेशल मलिदा है, होल व्हीट के पराठों से बनाया गया है, बहुत ही हेल्दी है। इसमें ड्राई फ्रूट आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देती है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, और इसमें जो मेवाजात पड़े हुए हैं, अगर आप दूध के साथ खाएंगे तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी फील करेंगे, दिन में कभी भी थकावट का एहसास नहीं होगा। मलिदे को बनाने के लिए हमने दो पराठे बेल कर रखे थे और फ्राई कर लिए हैं वक्त की बचत के लिए। सही है, होल व्हीट के दो पराठे हैं। और फिर हम मक्खन लेंगे, 2 टेबल स्पून हमें मक्खन चाहिए होगा। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ऑप्शनल है, जो चाहें आप रख सकते हैं। मैंने लिया है वॉलनट, काजू और बादाम और ग्रेटेड कोकोनट, और 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर है। ठीक है, ये ग्रेटेड कोकोनट जो है वो स्वीट है, और 1/2 टीस्पून बारीक पीसी हुई इलायची है, ग्रीन इलायची जो होती है, उसको ब्लेंडर में मैंने बारीक पीसी है। 1/3 कप शुगर ले रही हूँ, शुगर कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। एक मिक्सी ग्राइंडर लूँगी, मिक्सी जार लूँगी, ठीक है। उसमें जो पराठे बनाए हुए हैं मैंने उसके पीसेस बनाकर उसको बहुत अच्छा सा ब्लेंड कर लूँगी। इसको बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में नहीं बनाना है, इसको महीन से पेस्ट बना नहीं बनाना है, इसको दरदरा सा पीसना है। छोटे छोटे पीसेस बना के डालेंगे तो पीसने में आसानी होगी। देखिए ये पिस चुका है, तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक तरफ रख देंगे। एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबल स्पून मक्खन डाला है हमने, मक्खन मेल्ट हो चुका है। अब हम ड्राई फ्रूट को इसके अंदर डालकर 2 से 3 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें हाई फ्लेम में फ्राई नहीं करना है, लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। इसमें से धुआँ नहीं निकलना चाहिए, वरना जल जाएंगे ये। बहुत ही हल्की फ्लेम में इसको फ्राई कर लेना है। 2 से 3 सेकंड लगेंगे, ये फ्राई हो जाएंगे, खुशबू आएगी। बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर दें आप। इसको ड्राई रोस्ट करने से एक क्रंची फ्लेवर आता है जब आप खाते हैं। तो 3 से 4 सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद 1/2 ड्राई फ्रूट मैं एक तरफ निकाल कर रख लूँगी, ताकि मैं ऊपर से गार्निश कर सकूँ अपने मलिदे में। ठीक है, फिर इसके बाद मैं पराठा ऐड कर रही हूँ, जो पराठे को मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड किया था इसमें ऐड कर रही हूँ। और 2 से 3 सेकंड में इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी, ताकि पराठे में रही सही नमी जो है वो भी ड्राई हो जाए। ये बिल्कुल ड्राई होगा तो हम एयर टाइट कंटेनर में इसको सेव कर सकते हैं 1 से 2 वीक के लिए। ठीक है, फिर मैं सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून इसमें। ऐड करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको कूल डाउन होने देंगे। 5 से 10 मिनट में ये कूल डाउन हो जाएगा, बहुत अच्छी तरह से इसको कूल डाउन होना है। ये ठंडा होगा तो फिर हम इसमें इलायची, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए ताकि हम शुगर ऐड करें तो शुगर अपना पानी ना छोड़े। देखें ठंडा हो चुका है, मैंने शुगर 1/2 कप ऐड की है। देखें ये मैंने शुगर ऐड करने के बाद इसको मिक्स किया है। हमारा मलिदा तैयार है। इसको गरम गरम दूध के साथ सर्व कीजिए, एयर टाइट जार में रखकर फ्रिज में रख दीजिए, 2 हफ्ते आराम से निकल जाएंगे। बच्चों को लंच बॉक्स में बांध के दीजिए। ये बहुत ही हेल्दी है और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। होल व्हीट से बना हुआ है, सारे ड्राई फ्रूट हैं, अमेजिंग है। अब हम स्पेशल शरबत बना रहे हैं, मुहर्रम में बनने वाला स्पेशल शरबत, जो तकरीबन हर घर में बनाया जाता है मुहर्रम के दिनों में। ठंडा ठंडा मुहर्रम में सर्व होने वाला स्पेशल शरबत है, जो बहुत ही आसानी से बनाया जाता है, और इसके बग़ैर तो मुहर्रम नामुकम्मल लगता है। 9 और 10 मुहर्रम को ख़ासकर ये एहतमाम के साथ बनाया जाता है, सबीलों में बांटा जाता है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें 1 टीस्पून बेजल सीड और या फिर चिया सीड ले लें आप। इसको 5 से 10 मिनट के लिए सोख होने के लिए रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए पानी। पानी में जब चिया सीड जाते हैं और बेजल सीड जाते हैं तो वो फूल जाते हैं, अपने हजम से ज़्यादा हो जाते हैं। 1 कप, देखिए अब मैं शीरा तैयार करती हूँ। शीरा तैयार करने के लिए 1 कप मैंने पानी लिया है एक पैन में, और इसको जब पानी बॉयल होगा 1/2 कप शुगर इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, शुगर जो है कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। शीरा बनाने के लिए मुझे बिल्कुल गाढ़ा सा शीरा नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी को
पानी में डिसॉल्व करना है ताकि चीनी के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटी है वो छान कर हम निकाल दें, बाहर निकाल दें, और बहुत क्लियर सा शीरा तैयार हो जाए हमारा। ठीक है, चीनी मेल्ट हो चुकी है पानी के अंदर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने ड्राई फ्रूट जो अभी काट कर रखे थे। ड्राई फ्रूट को ऐड करने के बाद थोड़ा कूल डाउन हो जाए, फिर हम इसे दूध में ऐड कर देंगे। ठीक है, दूध में ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, अब ये शीरे को जब दूध में डाला है, इसको मिक्स किया है बहुत अच्छी तरह से, फिर हम बेसल सीड ऐड करेंगे जो थोड़ी देर पहले हमने सोक करके रखा था। बेसल सीड ऐड करने के बाद चमचा चलाएंगे या स्पैचुला चलाएंगे, इससे ये होगा कि सीड जो है वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए सीड सारे लग चुके हैं। अब ग्रेटेड कोकोनट 1/3 कप मैं डाल रही हूँ। कोकोनट ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें। ये रूह अफ़ज़ा मैं 1/2 कप ऐड कर रही हूँ इसमें। जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा और रोज सिरप जो भी आपके पास है वो ऐड कर सकते हैं। मुहर्रम के दिनों में रूह अफ़ज़ा ज़्यादा बनाया जाता है दूध का शरबत, और आप अगर जो जामे शीरी है आपके पास या दूसरा रोज सिरप है तो डाल सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इसको चिल सर्व करना है। इसको मैंने 2 घंटे फ्रिज में रखा है और आइस भी डाल दिए, ये बहुत ज़्यादा चिल हो चुका है। ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। और अगर आपको रेसिपी समझ में आई है, पसंद आई है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। और देखें, ये शरबत बिल्कुल तैयार है, चिल सा शरबत, मज़ेदार सा शरबत, मुहर्रम और हराम का स्पेशल शरबत तैयार है। इसे हम सर्व करेंगे ग्लास में। ये ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो और हम और रेसिपीज अपलोड करें आप लोगों के लिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। देखिए, मैं अपने शरबत को गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बादाम के साथ, और इसमें मैंने आइस डाली है। बहुत ही मज़ेदार सा शरबत तैयार हुआ था। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।